गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9th अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो गई है किसी रीजंस की वजह से। यूजुअली जो वीडियो है वो 5 बजे सुबह अपलोड हो ही जाती है, या 5 से 10 मिनट के आसपास 5 बजे अपलोड हो जाती है। स्टार्ट करते हैं, आज के लिए माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ। और इसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल जो कि यूपीएससी से रिलीवेंट होने वाले हैं। हमें पता है दोनों न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स आएंगे, उनको हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे ताकि ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा बेहतरी से उसको समझें। और जो आर्टिकल दोनों में अलग अलग है लेकिन यूपीएससी के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे ताकि कुछ भी हमारा करंट अफेयर से ना छूटे, चाहे वो प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से हो या फिर चाहे वो मेंस के प्रस्पेक्टिव से हो। स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि है इंडियन एक्सप्रेस से। कह रहा है, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ इक्वेलिटी। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस जाता है और केस के अंदर अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा इसमें ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका एक पहले का बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद हम न्यूज़ को समझेंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट के अंदर बात की जा रही है राइट टू लाइफ। अब हमें पता है फंडामेंटल जो राइट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, और हमारा जो पार्ट है वो कितने पार्ट में बना हुआ है? हमारा एक संविधान है, एक संविधान नाम की किताब है जिसको बनाया जाता है। हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले बनती है, वो इनको बनाना शुरू करती है। उसके बाद में यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। उसको जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और ये लोग आकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर संविधान जो है उसके ऊपर साइन किए जाते हैं। जितने भी हमारे ड्राफ्टिंग मेंबर थे वो सब उस पर सिग्नेचर करते हैं, और लास्ट में इसी दिन पे प्रीलिम्स जो प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक सार आप बोल सकते हो कि प्रीएम्बल के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। किसी का बोलना है कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, किसी का बोलना है कि ये पूरा का पूरा जो समरी है, पूरा का पूरा जो सार होता है आपका किसी चीज़ का, वो प्रीएम्बल होता है। तो इसको स्टार्टिंग में आगे रखा गया, प्रीएम्बल को बनाया पीछे गया था, लास्ट में बनाया गया था जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन उसको रखा आगे गया था, तो ये बन जाता है। और उसके बाद से लेकर आज तक हमें पता है कि हमारे संविधान के अंदर 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 25 भागों में हमने अपने संविधान को बांटा हुआ है। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर 12 शेड्यूल भी हैं, और उसी के बाद में हम देख पाते हैं कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग पार्ट में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है इंडिया के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर वो स्टार्ट होता है, और ऐसे ही अलग अलग आर्टिकल की रेंज में अलग अलग हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा है। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो कि है पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 है इसकी शुरुआत ही हो रही है आर्टिकल 12 से, और आर्टिकल 34 तक हम देख पाएंगे। आर्टिकल 32 आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कि अगर आपका कोई भी फ्रीडम राइट को तोड़ता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, फ्रीडम राइट ही इसमें हम बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट ही हम इसको बोल सकते हैं। खैर, अभी बात करते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके जो आर्टिकल 32 तक के हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल है वो हमें देते हैं हमारे कुछ मौलिक अधिकारों को। ये जो मौलिक अधिकार है ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। एक दो ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिचुएशनल है, कि मान लीजिए इमरजेंसी अगर लगती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म नहीं होगा, बेसिकली कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके उस समय पर नहीं जा पाओगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21। ये आर्टिकल होता है राइट टू लाइफ का, कि जीने का आपको अधिकार, और किसी भी एडवर्स स्थिति के अंदर आपसे ये आर्टिकल कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और इंसान हो, तो ये नहीं कर सकता है। बेसिकली फंडामेंटल राइट है क्या, आप सोच कर देखिए। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो, वो स्टेट की पावर के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। अब स्टेट में फिर से आप लोगों को बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्टेट क्या होती है? आपकी कंट्री को स्टेट बोला जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स पर जो थोड़ा सा लिमिट लगाते हैं वो होते हैं फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 21 है जीने के अधिकार का, उसके अंदर एक नई चीज़ को ऐड कर दिया गया है। समय के साथ साथ हमें पता है कि देखिए
जब समाज की समय के साथ साथ ज़रूरतें बदलती हैं, उसी तरीके से हमें अपना चलने के जो नियम कानून है वो भी बदलने पड़ते हैं। इसी वजह से संविधान जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात समझ ली थी कि आज हम जो संविधान बना रहे हैं, हो सकता है कि वो 200 साल के बाद कोई ऐसी नई स्थिति आ जाए जिसके ऊपर खरा ना उतर पाए। इसी वजह से उन्होंने एक पावर दी संविधान में जिसको बोला जाता है अमेंडमेंट की पावर। अब आर्टिकल 368, आर्टिकल जो 368 यहाँ पर है, वो उसका काम ही केवल ये है कि आप संविधान को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। और अमेंड का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप उसमें बदलाव कर सकते हो, संशोधन किया जा सकता है। बदलाव समय की मांग के हिसाब से किया जाना चाहिए। इसी चीज़ में आप हर चीज़ के अंदर क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट मानता था कि आप गवर्नमेंट अगर चाहे, लेजिस्लेचर अगर चाहता है, विधायिका अगर चाहती है कि यहाँ पर कोई भी काम होना चाहिए, यानी कि ये एक कानून है इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, तरीके यहाँ पर संविधान में बताए गए हैं, उस अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो। अब दो तरीके का होता है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि आपका जो कानून बना वो कितना ठीक है, उस हिसाब से काम किया या नहीं किया, और दूसरा होता है लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड। अब हमारे यहाँ जो चलता है वो चलता है लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड, यानी कि हमारा जो की कानून कैसा है, कानून आपने क्या बनाया वो मायने नहीं रख रहा है, कानून की जो विधि थी बनाने की क्या आपने वो मानी है। सुप्रीम कोर्ट काम करता था इसी के ऊपर। हालांकि अमेरिका में क्या होता है, यूएसए के अंदर जो यहाँ पर कानून बनाने का प्रोसेस है वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने विधि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके से अमेंडमेंट करने की बात की गई है। पहला तरीका होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, कुछ ऐसे कानून है जिसमें जितने लोग यहाँ पर है, मान लीजिए 50 या टोटल 100, क्योंकि कोरम होना चाहिए, कोरम होता है 10% होना कि आपके यहाँ पर क्या हो गया है, हमारी टोटल सीट से 545 है लोकसभा के अंदर, कोई भी कानून अगर बनाना है तो शिटिंग तभी मानी जाएगी जब उसके अंदर एक कोरम होगा। तो हम मानते हैं कि 50 यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे, उनमें से जब 26 लोगों ने किसी चीज़ पे मेजोरिटी दिखा दी तो ठीक है, अब वो हो गया, जो कानून बना था बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके पे बताया, ये होता है ऑर्डिनरी, किसी किसी केस पे हो जाता है। दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी। इसके लिए क्या करना होगा कि जितने लोग वहाँ पर हैं, टोटल स्ट्रेंथ के जितने भी लोग हैं, 50 ही हम मान लेते हैं, 50 में से 2/3 को यहाँ पर अपनी सहमति दिखानी पड़ेगी। 2/3 जो लोग होंगे उन्होंने अगर बोला है कि ठीक है ये होना चाहिए, तभी वो होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड को बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर की जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, यानी ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543, उसमें से जो 2/3 यहाँ पर आएंगे, उनकी जो 2/3 होंगे, एक तो उनको होना चाहिए वहाँ पे पूरे टोटल स्ट्रेंथ के, और उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है 100 लोग, अब 100 लोग जो है उनमें से 2/3 क्या करेंगे, किसी कानून को बनाने के लिए अपनी गवाही देंगे, 66% ये हो गया। लेकिन अब ये कानून नहीं बन पाएगा क्योंकि इफेक्टिव मेजोरिटी में, क्योंकि ये 50% नहीं हो पाया टोटल स्ट्रेंथ का। 543 जो लोग हैं हमारे यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे, तो क्या ये उनका 50% हो गया है, नहीं हुआ है ऑब्वियसली। तो कम से कम कितना चाहिए, अगर आप इतना कानून बना रहे हो तो आपको 2/3 ये लेना पड़ेगा, और उसके अलावा टोटल स्ट्रेंथ का 50+1% वो चलेगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून के हिसाब से अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा फोर्थ यहाँ पर तरीका भी होता है, जिसमें होता है कि आप ये जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके साथ में कंसेंट लोगे हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट का, यानी कि इंडियन स्टेट जो है उनके अगर रिलेशन में कोई काम आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा काम चलता है, फेडरलिज्म का। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अलग से है, यूनियन गवर्नमेंट अलग से है, फेडरलिज्म में दोनों में अलग अलग को बांटा गया है। तो इसी वजह से उनसे परमिशन लेनी भी कई बार मामलों में जरूरी हो जाती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि संविधान को बदला जा सकता है। अभी पहले अब सवाल ये आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना था, बहुत सारे इसमें केस हुए, कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है, आप जब चाहे, सरकार जब चाहे किसी भी राइट को किसी से भी छीन सकती है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही और रेवोल्यूशनरी काइंड का केस होता है, जिसका नाम था यहाँ पर केशवानंदी भारती केस, जो अगेन आर्टिकल 21 से रिलेटेड ही हुआ था। केशवानंदी भारती जो कि एक, अभी उनकी 2023 में ही मृत्यु भी हुई है, तो उनको याद रखिएगा क्योंकि ऑब्वियसली ये केस हुआ था।
1973 के अंदर, दिन भी मैं आपको बता दूं 24 अप्रैल का वो दिन था, 24 अप्रैल 1973 के इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको जाना गया बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक द थ्योरी ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन। तो बेसिक डॉक्ट्रिन जो है या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका मानना ये था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो संविधान लेखक रहे हैं उन्होंने दिमाग में ये सोचा है कि कुछ जो मूल बिल्कुल सोल होती है किसी की, जो आत्मा होती है, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसको नहीं बदल सकती है गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी चीज़ थी। अब आत्मा क्या होगी, संविधान की आत्मा क्या होगी, तो मूल स्ट्रक्चर फंडामेंटल चीज़ क्या होगी। जैसे कि हम लोग रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब है कि आपको वोट करके ही अपना स्टेट का जो हेड होगा उसको चुनना पड़ेगा। इंडिया क्या है, सेक्युलर भी है, तो सेक्युलरिज्म जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ऐसे कर करके अलग अलग जो केस आते गए उन्हीं में सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या क्या संविधान का। और ऐसे ही हमारे पास एक बहुत सारे केसेस से बहुत सारी अलग अलग लिस्ट बन गई है, 20 से 21 चीज़ों का हमें पता चल गया है कि ठीक है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। उन्हीं में से एक आता है फंडामेंटल राइट, यानी कि सरकार जो है वो एक्चुअली में फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती है, नहीं तोड़ सकती है किसी भी चीज़ को। तो ये होता है फंडामेंटल राइट। अभी आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के लिए आर्टिकल समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं आर्टिकल की तरफ। देखिए जो राइट ऑफ लाइफ, अगेन मैं आपको एक आर्टिकल बता रही हूँ राइट ऑफ लाइफ का, ये क्या है, आर्टिकल 21 से संविधान का बताता है सभी को जीने का अधिकार है। इसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे समय पड़ने पर एक केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बताइए क्या राइट ऑफ लाइफ जो है, राइट टू लाइफ है, उसके अंदर सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप का अधिकार है हमें, क्योंकि जीने में तो सोना भी पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ राइट टू लाइफ में राइट टू स्लीप का अधिकार भी है। तो ऐसे ऐसे भी इसमें अधिकार दिए गए हैं। जो मेनली इसके अंदर अधिकार होता है वो होता है राइट टू डिग्निटी, यानी कि आपकी जो लाइफ होगी वो केवल ऐसी जिंदगी ना हो कि आप ब्रेड के लिए भूखे मर रहे हो, कोई आपको मार रहा है, ऐसी ना हो, बल्कि इज्जत से रहने का भी आपको हक होता है, राइट टू डिग्निटी का भी आपको यहाँ पर हक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर स्टेट उसमें आपको ब्रीच कर रही है, अगर उसको तोड़ना चाहती है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जा सकते हो। देखिए बहुत बड़ी पावर है, शायद जो नए बच्चे हैं अभी अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया वो इस पावर को समझ नहीं पा रहे होंगे। सोच के देखिए कि अगर आपको कोई केस लड़ना है, किसी भी मामले में केस लड़ना है, तो आप सबसे पहले जाएंगे सेशन कोर्ट के अंदर, उसके बाद जो आएगा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम देखेंगे, उसके बाद जाएंगे हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से लड़के आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 10 से 12 साल भी लग सकते हैं अगर आप जो केस है वो लगातार लड़ रहे हो। लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट होता है, ये सारे इस तरीके से कोर्ट जो है वो काम करते रहते हैं। हायरकी कोर्ट में हम देख पाते हैं, ये गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हायरकी नहीं है, लेकिन जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर हमें ये जरूर हायरकी दिखाई देती है। अब आप सोचेंगे कि ये जो हायरकी है इसमें से एक से दूसरे पे होके जाना होगा, नहीं, आर्टिकल 32 बोल रहा है कि देखिए अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को तोड़ दे रहा है ना, तो आप एक काम करो, कहीं मत जाओ, डायरेक्टली हमारे पास आ जाओ। ये बहुत बड़ी पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर जो पिटिशनर है वो चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, चाहे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है, उसकी बात उसी दिन सुनी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी पावर है, और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो आपका अधिकार है वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है। तो ये होता है पूरा का पूरा पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। अलग अलग है, आर्टिकल 14 जो होता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी का, कि आपके जो जेंडर हो, कास्ट हो, या किसी भी कारणवश से भारत का हर एक जो नागरिक होगा वो कानून की नज़रों में बिल्कुल इक्वल माना जाएगा, बिल्कुल बराबर माना जाएगा, ना वहाँ पर पैसा काम आएगा, ना वहाँ पर जाति काम आएगी, ना ही वहाँ पर आपकी जो कास्ट है, आपका जो धर्म है, वो कुछ भी काम आएगा, वो सब चीज़ें आप कानून की नज़र में बराबर रहोगे। और सोसाइटी में ये सारी चीज़ें करने के लिए भी कोशिश करेगी गवर्नमेंट, जिसके लिए जो DPSP है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। अभी हमने DPSP को समझना भी जरूरी है इस आर्टिकल को समझने से पहले, क्योंकि इसी के अंदर जो ये एडवर्स क्लाइमेट से रिलेटेड बात है वो ली गई है DPSP से। DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को डायरेक्शन देना, यानी कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने स्टेट पॉलिसी के अंदर, स्टेट जब कानून बनाएगी, जब कुछ नीतियाँ बनाएगी, तो उनके लिए कुछ डायरेक्शन
डायरेक्शन पहले ही दे दिए कि देखिए ये आप एक काम करिए, ये मैं आपको नींव दे रहा हूँ, मैं ही आपको बोल देती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप पूछेंगे कि मैम न्यूज़पेपर मैं पढ़ लूँगी, ठीक बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी खबरें आती है, 25-25 पेज के, 27-27 पेज के न्यूज़पेपर हैं, और आप कह रहे हो कि दो न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उनमें से पढ़ना क्या है? फिर मैं आपको बोलूँ कि एक काम करो, कुछ नहीं, आप यूपीएससी का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो उससे रिलेटेड लगता है वो काम करते जाओ। ऐसा ही कुछ किया गया है यहाँ पर संविधान निर्माताओं के द्वारा। उन्होंने DPSPs को दे दिया है गवर्नमेंट को कि ये जो अलग अलग DPSP हैं, जो हमने अलग अलग भागों में बाद में बांट मिली कि कोई गांधीयन है, कोई सेक्युलरिज्म से रिलेटेड सोशलिस्ट हैं, इनके हिसाब से आप समाज में काम करने की कोशिश करना। अब उन्हीं एक DPSP में से ये आर्टिकल जो है DPSP का, वो आर्टिकल हम देखते हैं कि DPSP जो 48A है, DPSP 48A है, वो कहती है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को भी और फॉरेस्ट को भी और जो वाइल्ड लाइफ है कंट्री के अंदर उन सब को। DPSP पार्ट 3 में ही आती है। DPSP डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के बाद में रखी गई हैं। तो DPSP का जो कंसेप्ट लिया गया है वो लिया गया है हमारे, देखिए जब रियल में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम पे इस तरीके से DPSP होती नहीं थी जैसे हम अभी सोचते हैं कि ये DPSP था, या मैंने आपको समझाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने आपको डायरेक्शन दे दिया है सिर्फ, तो ऐसा था नहीं, ये नॉन जस्टिशिएबल थी। इसका जो कंसेप्ट लिया गया था ना DPSP का, वो हम देखते हैं कि रशिया से, या रशिया तो अब गलत कह रहे हैं हम क्योंकि अब वो रशिया के नाम से जाना जाता है, ये लिया गया था सोवियत यूनियन से, यानी कि रशिया के साथ में यूक्रेन प्लस बोलीविया प्लस जो और कंट्रीज वहां पर थी, जो सब मिलके सोवियत यूनियन बनाती थी, उन कंट्रीज से लिया गया था, वहां पे DPSP होते थे। और हम देखते हैं कि यहां पर जो DPSP की बात अब चल रही है उसके अंदर आर्टिकल 51A भी कुछ बता रहा है। आर्टिकल 50A बोलता है कि स्टेट को जो ड्यूटी है, एवरी सिटीजन की भी ये ड्यूटी है कि वो इंडिया के अंदर जो इंडिया की यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट उसमें आ जाती हैं, लेक आ जाती हैं, रिवर्स आ जाती हैं, कंपैशन आ जाता है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, उन सभी बातों का इंडियंस को भी खुद ब खुद ध्यान रखना है, ये भी हमें बताया जाता है। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैंने एक जो आर्टिकल 51 बताया है वो बता रहा है किसे सिटीजन को क्या करना है, आर्टिकल 48 जो बताया वो बता रहा है स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना है, और आर्टिकल जो 32 तक हम चले हैं 12 से लेकर, वो बता रहे हैं कि किसी सिटीजन के राइट क्या है। तो अब एक बार दोबारा से शॉर्ट में हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट क्या बोलता है। फंडामेंटल राइट होता है जो लिमिट लगाता है यहाँ पर, किसके ऊपर लिमिट लगा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद आती है DPSP। DPSP जो होती है वो लिमिट लगाती, लिमिट नहीं लगा रही है, पावर दे रही है स्टेट को, क्या कर रही है, पावर दे रही है कि जाइए आप ये काम करिए, मजबूर करिए यहाँ पर स्टेट को करिए कि ये काम आप नहीं कर सकते, यहाँ पर स्टेट को कह रही है कि आप ये काम करिए। और थर्ड आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वही है जो हमने ली है रशिया से, सोवियत यूनियन के अंदर से, जो कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली होती नहीं थी, इनको इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 44th जो अमेंडमेंट करवाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उनके द्वारा ये देकर आती है कि देखिए स्टेट की भी ड्यूटी है, सही बात है, लेकिन कुछ नागरिक जो है उनकी भी तो ड्यूटी बनती है ना, तो वो यहाँ से निकाला गया है। अब ये सब समझने के बाद में आपके लिए आर्टिकल समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आर्टिकल बोल रहा है कि देखिए आर्टिकल जो 48 है और 51 है उसके अनुसार जो भी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट के, यानी कि जो ये पूरा का पूरा वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जैसे कि सबसे पहले टोंगा ऐसा आइलैंड है जहां पर हम देख पाए कि वो सबमर्ज होने वाला है, डूब जाएगा वो अभी अगले 4-5 साल के अंदर, वहां के जो निवासी होंगे उनको ऑस्ट्रेलिया ने पनाह दी है कि ठीक है आप लोग यहां पर आकर रह सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो एडवर्स यहां पर क्लाइमेट के इफेक्ट होते हैं वो भी एक्चुअली के अंदर राइट टू लाइफ में आते हैं कि वो उनके साथ नहीं होने चाहिए। जो यहां पर इंसान रहता है उसकी ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी है कि उसको ये ना सहने पड़े। नहीं सहने पड़े का मतलब क्या होगा, देखिए किसी को भी ना सहने पड़े इसका मतलब यही होगा कि आप उन कारणों को होने ही ना दें, आप उनको बचाएं। तो जो हमारा DPSP में भी बोला गया है, जो हमारा यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी बोला गया है, यहाँ पर DPSP में बोला गया है कि स्टेट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, और फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल 51A में बोला गया है कि हर सिटीजन की भी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य
है कि उसको इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, खास करके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको प्रोटेक्ट करना है। ये पहली बार रखे गए हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, रखे भी किसके अंदर गए हैं, आर्टिकल 21 के अंदर। अब आप इस पूरे सिनेरियो को समझ पाए होंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे कि एक चीज़ थी जो पहले डीपीएसपी में होती थी, एक चीज़ थी जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर होती थी, अब उसको ऐड कर दिया गया, इन दोनों को मिलाकर ऐड करके यहाँ पर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में रख दिया गया। ये फॉर्मूला यहाँ पर पूरे आर्टिकल का समझाने का पूरा सार था, ये फॉर्मूला बनता है, इसको याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आने की बहुत संभावना है, खास करके मेंस में पूछा जा सकता है, इसीलिए सारा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मेरे एक टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है इस वीडियो का, उस पे जाइए, वहाँ से जाकर लिंक से जाकर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा ही देती हूँ लेकिन नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं देती भी क्या हूँ, तो आपको जो ये वीडियो आप देख पा रहे हो, मैं इसकी पीपीटी आप लोगों को दे देती हूँ पीडीएफ के रूप में, कि आप वहाँ से जाइए पढ़ लीजिए, वापस से देख लीजिए। लेकिन कुछ छोटा होना चाहिए जिसमें टाइम कम लगे पढ़ने में, वो आपको मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही। उसमें क्या होता है, आर्टिकल्स के आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ये नोट्स बनाती हूँ आपके लिए, क्या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप रिवाइज करना चाहे रात को सोने से पहले तो रिविजन आपका हो सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर। इसके अलावा कोई मेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है तो उस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर फॉर्मेट बनाकर जरूर देती हूँ, तो इसी वजह से आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ के अलग अपने फायदे हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गोन टू सून द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यूथ की जो सुसाइड है वो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है। और सुसाइड एक्चुअली में होता क्या है, देखिए साइड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या किसी की भी मौत हो जाना, तो सू का मतलब कई बार आपने देखा होगा, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वहीं से बता देती हूँ, सुओ जो होता है वो एक्चुअली में एक लैटिन का वर्ड है, इसी सुओ को यहाँ पर, सुओ का मतलब होता है खुद का, कि खुद से किसी ने कुछ कर लिया, तो इसी वजह से खुद जो शब्द है वो सुओ से रिलेट हो गया। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है कि कोर्ट जब खुद से आकर किसी केस को अपने आप ले लो, उसके पास शिकायत लेके कोई नहीं गया है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि मुझे ये मुद्दे में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मैं खुद से इसके ऊपर जांच करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा सुओ मोटो। ये जो सुओ होता है आपका, सु इसका मतलब भी होता है खुद, और जो सुसाइड होता है उसका मतलब होता है मौत, यानी कि खुद से कोई इंसान अपनी जिंदगी को खत्म कर दे, तो ये होती है सुसाइड। बहुत ट्रेजिक सा शब्द है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अल्टीमेटली जो ह्यूमन लाइफ है वो इससे खत्म हो जाती है, बहुत डिवेस्टेटिंग होता है, पूरे परिवार को तोड़ के रख देता है, बिखार देता है, और ये एक कॉन्शियस वॉलिएशन एक्ट है। क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डिवेस्टेटिंग ज्यादा है, मान लीजिए किसी की नेचुरल डेथ हो गई है, उसमें क्या हो जाएगा कि वो नेचुरली हुई है, ठीक है, एक किसी ने अपने आप से नहीं लिया है, जो होना था वो हुआ है, लेकिन जब आप कॉन्शियसली, जब एक इंसान खुद से बिल्कुल चेतन होकर सोच कर समझ कर ऐसा कदम उठाता है, तो वो एक वायलेशन एक्ट बन जाता है, जो कि काफी गलत भी हो जाता है। फिलहाल बात करते हैं कि इंडिया की इसमें पोजिशनिंग क्या है। इंडिया की पोजीशनिंग की बात करें तो देखिए, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में जितनी सुसाइड होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है सुसाइड के, वो होते हैं इंडिया के अंदर। डाटा अगर मैं इसको सपोर्ट करने के लिए बताऊं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनकी रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि 2022 का यहाँ पर डाटा है कि 2022 में यहाँ पर 1.7 लाख लोग थे जिन्होंने सुसाइड की, और इनमें से भी लगभग ये जो आंकड़ा है वो 12.4% का बढ़ गया। हर 1 लाख आदमी में से 12 लोग एक्स्ट्रा हैं जो अब सुसाइड कर रहे हैं 2021 के मुकाबले या 2022 के मुकाबले। अगर नेक्स्ट जो डाटा आएगा हम उसको ऑब्वियसली देखेंगे, फिलहाल के लिए एनसीआरबी का ये लेटेस्ट डाटा था। और जो ये सुसाइड है इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो रेट होते हैं सुसाइड के वो होते हैं यूथ के, नौजवान जो होते हैं। अब उसमें महिलाएं भी आती हैं, फीमेल भी आती हैं, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ का कारण है यूथ, जो महिलाएं होती हैं वो भी उनका सुसाइड है। और जब हम देखते हैं कि यंग जो यहाँ पर 30 ईयर से लेके कम के बच्चे होते हैं, यूथ में आप इसमें 18 से 21 साल मत मानिएगा, इसमें आप मानिएगा कि 18 से
30 तक की एज ग्रुप जो पूरा का पूरा यूथ है, अडल्ट है, वो यहाँ पर ज़्यादा इस तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और इसके रीज़न क्या है वो हम आराम से समझेंगे। अल्टीमेटली जो 41% डेथ होती है, जितनी भी यहाँ पर टोटल डेथ हो रही है, उनमें से 41% वही लोग सुसाइड कर रहे हैं जो 30 साल से उनकी उम्र कम है। बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी ये बना हुआ है यंग वुमन के अंदर भी। और अगर इस डाटे के अनुसार देखा जाए तो हम ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि हर 8 मिनट के अंदर भारत के अंदर एक सुसाइड हो जाती है। तो जितनी देर में हम इस आर्टिकल को पूरा करेंगे, उतनी देर में यहाँ पर एक सुसाइड, एक इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका होगा, और वो भी एक यंग इंसान जिसके सामने जीवन अभी पूरा का पूरा पड़ा हुआ था, वो कुछ भी उससे कर सकता था, अचीव कर सकता था, लेकिन वो हार जाते हैं। अब कारण पे जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कोई इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, या एक प्रेरणा उसके लिए हो जाती है कि अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं बचा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसका कोई सिंगल रीज़न नहीं होता है, कोई एक कारण नहीं है। सुसाइड जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल ह्यूमन बिहेवियर है। कभी कभी एनिमल्स में भी ये बिहेवियर दिखाई देता है। कभी कभी आप किसी एनिमल को देखेंगे, वो खुद से अपने आप को सफोकेट करके मर जाते हैं। तो खैर, रेयर केसेज है, स्नेक्स में ये बिहेवियर ज़्यादा दिखता है, लेकिन ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में तो ये बिहेवियर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ह्यूमन की होती है कि वो अपने आप को बचा के रखे, चोट से बचाए, उसे मरने से डर लगता है। लेकिन जब इस नेचुरल टेंडेंसी से आप थोड़ा बाहर निकाल देते हो और उसी बाद आप सुसाइड की तरफ जाते हो, तो काफी जटिल हो जाता है कि इसको समझे कैसे, इसका ह्यूमन बिहेवियर को निकाले कैसे। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसी की पूरी पढ़ाई की है, साइकोलॉजी को समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, और उन्हीं से हमें समझ में आता है कि इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं है। सुसाइड जो होती है यंग लोगों के अंदर, वो मल्टी डिटरमिनाइन है, अलग अलग कारणों की वजह से होती है। इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, यानी कि शरीर की वजह से भी। कई बार क्या होता है कि मेंटली आप बहुत परेशान हो तो आपके हार्मोन ही ऐसे निकल रहे हैं। फिर इसके कुछ साइकोलॉजिकल भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ फैमिली से रिलेटेड भी फैक्टर्स है, फैमिलियल भी है यहाँ पर, और सोशियो कल्चरल तो है ही, सामाजिक और जो धार्मिक कारण होते हैं वो तो इससे रिलेटेड है ही। करंट रिव्यू जो है एडोलसेंट सुसाइड का, वो इंडिया में रिपोर्ट होता है कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होती है वो होती है मेंटल हेल्थ की वजह से। हम बहुत आसानी में ले जाते हैं, 54% तक का जो सुसाइड रेट है वो हमें यहाँ से पता चला है। और एक और बात है कि देखिए, जो नेशनल यहाँ पर रिकॉर्ड है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये जो हमने आंकड़े देखे हैं ये भी अभी तक उचित आंकड़े नहीं है। आप सोचेंगे उचित नहीं है तो मैम क्यों पढ़ा रहे हो सकती इससे कम होती हो। गारंटी से बोल रही हूँ कि इससे कम सुसाइड नहीं होती है, बल्कि इससे ज़्यादा मात्रा में सुसाइड होती है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाती हैं। जिस तरीके से इस देश के अंदर रेप ज़्यादा होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड कम होते हैं, वैसे ही यहाँ पर सुसाइड ज़्यादा होती है, वो रजिस्टर कम होती हैं, क्योंकि इसको स्टिग्मा माना जाता है, कलंक माना जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम है, तो शायद जो आंकड़ा हमने 8 मिनट का बोला वो हो सकता है 6 मिनट में एक सुसाइड यहाँ पर हो रही हो। और सबसे बड़ा जो कारण, अगर 100 लोग आज के दिन या किसी भी दिन में डेथ उनकी होगी, तो उसमें से जो 54 लोगों की डेथ होगी उसका केवल एक ही कारण है, वो कारण होता है मेंटल हेल्थ। हमें लगता है कि बुखार हो गया है तो जाइए जाकर दवाई ले आइए, बाहर से हमें पता चल जाता है, उसको ठीक कर दीजिए। लेकिन जो दिमागी रोग से बीमार, अब दिमागी रूप से ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो वो पागल ही हो गया, सबसे बड़ा स्टिग्मा यही माना जाता है। इसी वजह से लोग हेल्प भी सीख नहीं करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, शायद जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। जब आप दिमाग से बीमार होते हैं, जब आप शरीर से बीमार होते हैं, तो आप भाग कर किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो। लेकिन जब आपको कोई दिमागी रूप से परेशानी हो रही है, जब आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप सोचते हो कि मैं इसको खुद ही ठीक कर लूंगा। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब बहुत ही लंबे समय तक वो आपके साथ बनी ही रहती है, उसके बाद में आखिरी जो एक मुकाम किसी को भी दिखाई देता है वो दिखाई देती है सुसाइड। तो खैर, ये होता है कि 50% जो मोर देन 50% जो सुसाइड होती है वो होती है मेंटल हेल्थ की वजह से। इसके अलावा जो 36% का डाटा हमारे पास है, उसमें से हमें पता चलता है कि फैमिली के जो इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमिकल फैमिली इशू हो जाते हैं, कई बार डाइवोर्स हो जाता है, मारपीट हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो ये सब जो फैमिली के अंदर इशू हो रहे हैं जो किसी इंसान को तोड़ के रख देते हैं, उसकी वजह से 36% लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। फिर बात आती है कि हाँ
ठीक बात है ये भी, लेकिन सुसाइड के तो और भी कारण है, जैसे कि एकेडमिक हम देख पाएंगे। एकेडमिक का मतलब होता है सीधा सीधा कि पढ़ाई से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप में से भी जो सुन रहे हैं मोस्टली वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर समय कॉम्पिटिशन लगा हुआ है, और जब हमें लगता है कि हम इस कॉम्पिटिशन को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ये आंकड़ा भी बहुत ही बड़ी मात्रा में 23% तक का ये आंकड़ा है। कुछ है सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो 20% तक यहाँ पर है। फिर वायलेंस जो होता है, यानी कि किसी के साथ में आप वायलेंस कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, वो भी यहाँ पर 22% डेथ के जो कारण है, सुसाइड के जो कारण है, उसमें भूमिका निभाता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, देखिए वैसे तो इंसान को जो है काफ़ी फर्क पड़ता है आपकी आर्थिक, अगर आपको तंगी आई हुई है तो, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से केवल 9.1% ही लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं, यानी कि वो से निकल जाते हैं। फिर कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड फैक्टर होते हैं 9% में, और जो बहुत छोटी मात्रा में 1-1 या 2-2% के अंदर, उसमें आता है फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज किसी का हो जाता है, कोई एग्जाम में फेल हो गया है, कोई इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि दादी जी कुछ बोल रही है, फिर पिताजी कुछ बोल रहे हैं, बच्चा कुछ और मान रहा है, समझ नहीं पा रहे, तो जनरेशन का बहुत ज्यादा फर्क है। और ये सारी ऐसे कारण है जिनकी वजह से हम देख पाएंगे कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से जो यंग लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा औरतों के लिए जो ज्यादातर मायने होते हैं वो होते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के। जो फीमेल सबसे ज्यादा डेथ देखी जाती है, सुसाइड देखी जाती है नौजवान युवती या महिलाओं के बीच में, उसका कारण होता है या तो उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है शादी की, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। दूसरा कारण होता है कि शादी जल्दी हो गई है तो अब वो माताएं भी जल्दी बनेंगी, तो जब वो यंग मदरहुड उनको मिल जाता है, तो देखिए मदरहुड जब होता है तो उसके साथ में बहुत सारे स्ट्रेस ऑलरेडी आते ही हैं, और जब आप बहुत यंग हो, जब आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है कि वो उससे कैपेबल होके उसको संभाल सके, तो वो भी सुसाइड का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा उनको लो सोशल स्टेटस, यानी कि सोशल समाज में जो उनका स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, लो हो जाता है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा सुसाइड करती हैं। और जो सबसे बिगेस्ट बिग रीजन यहाँ पर देखा जाएगा वो देखा जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस का, कि जो घरेलू हिंसा होती है जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि महिलाएं सबसे ज़्यादा उसी में यहाँ पर सुसाइड जो होती है वो करती हैं। फिलहाल 2022 के हिसाब से समझ में आया कि जो छोटे बच्चे हैं टीनेज उम्र से, यानी कि 13 साल से लेकर 19 साल तक के, उनमें से 2022 के अंदर यहाँ पर लगभग 2095 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड किया। कारण उनका यही रहा था कि वो एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हो गए थे। तो यही एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार इसको लिखती हैं आर्टिकल को, और कहती हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर एग्ज़ाम्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, या पेरेंट्स प्रेशर इतना हो जाता है कि तुम फेल हो गए तो हम अब किसी को मुंह कैसे दिखाएंगे, या हमारी बदनामी हो गई है, तो इन सारी चीजों से जो बच्चा होता है वो निकल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और उसको सबसे अच्छा जो उपाय लग रहा है वो यही लगता है, हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है। पेरेंटल प्रेशर है पहली बात, तो ये प्रेशर है कि आपको ये करना ही होगा। दूसरा जो एक्सपेक्टेशन है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा वो लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत हाई होती है, जिस पे बच्चा खरा नहीं उतर पाता है, तो वो इस तरीके से इस तरफ चला जाता है। इसके अलावा हम कंपटीशन और देख सकते हैं, कॉलेजों में जाने का बहुत बड़ा कंपटीशन है, मीडिया हाइप बन जाती है, रिजल्ट किसी का अच्छा आ गया है तो उसको मीडिया वाले एकदम से उठा देते हैं, हाइप दे देते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा अगर कोई फेल हो गया तो उसको बहुत ही ज्यादा शर्म दिलाई जाती है, शेम करवाया जाता है, मंथ्स उसके ऊपर प्रेशर डाले जाते हैं, इमोशनल रिजल्ट जो हाईली उनको इमोशनली वो लोग टूट जाते हैं क्योंकि उनके साथ में फेलियर उनको देखनी पड़ गई है। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो है वो सुसाइड की तरफ में अट्रैक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सुसाइड जो है वो सिर्फ वही बच्चे कर रहे हैं जो फेल हो गए हैं, नहीं, इतना छोटा है कि देखिए बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने अपना नाम कर लिया है, जिन्होंने एकेडमिक प्रेशर जो बहुत अच्छा अपना था, प्रोफेशनल कॉलेज में वो पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रेशर है जब वो उससे नहीं झेल पाते, तो ऐसे इन संस्थानों के अंदर में भी सुसाइड के केसेस दिखाई देते हैं।
कुछ और भी रिस्क हैं छोटे मोटे, जैसे कि अल्कोहल वगैरह का जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है यूथ के सुसाइड में। इसके अलावा जो मीडिया क्या करती है कि देखिए मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारा नेट चलता है, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी हाइप बना देते हैं। जैसे कि अभी एक फेमस यहाँ पर एक्टर होते थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो डेथ हुई और उससे रिलेटेड जो इमोशनल एक बिहेवियर बना था उसके बाद में भी बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला था सुसाइड रेट के अंदर। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति आप क्या हो जाते हो, देख के सुन के प्रभावित होने लग जाते हो, उसकी तरफ टेंडेंसी आपका माइंड जो है वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। एक एनालिसिस किया गया था 19 स्टेट का, इंडिया के अंदर में 19 स्टेट से डाटा यहां पर लिया गया और तब पता चलता है कि 20% जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो यहां पर नेट एडिक्ट है, यानी कि वो नेट से पूरे तरीके से जैसे अल्कोहल एडिक्ट होता है, जैसे कि यहां पर अलग अलग जिनको आदतें होती हैं वैसे ही वो इंटरनेट से इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो क्या यहां पर ले रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा बन रहा है, इन्हीं कारणों की वजह से यहां पर सुसाइड ज्यादा होती है। अब आप सोचेंगे क्या इसका कोई समाधान है? प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर हम देख पाएंगे सोशल जस्टिस आता है, सोशल जस्टिस के अंदर यहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याओं को, सोशल इश्यूज को हमें पढ़ना होता है और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम यही है कि ये इशू तो है, अब इसको संभालिए, अब इसका समाधान कीजिए। तो हमने प्रॉब्लम देख ली है, अब हम समझते हैं, चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ में कि इसको बचाव कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। हमने देखा कि सुसाइड जो है उनको माना ऐसा जाता है कि वो उनको रोका नहीं जा सकता, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी इंसान इंडिविजुअल अपनी सोच समझकर एक निर्णय ले रहा है और उसके ऊपर वो सुसाइड कर रहा है तो उसको कैसे रोके। लेकिन ये धारणा ही पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक बात है, किसी के समाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको शायद ना रोक पाए, किसी की स्थिति आर्थिक जो है वो बहुत खराब होगी, इकोनॉमिकली बहुत डिस्ट्रेस है तो उसको भी ठीक ना कर पाए। लेकिन इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ जो यंग पीपल है जो जिनका सुसाइडिकल बिहेवियर हो चुका है वो ऑफन एक अल्टरनेट उनके लिए रेजोल्यूशन जरूर आ सकता है, जिन भी कारणों की वजह से, जिन भी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई भी यहाँ पर सुसाइड करना चाहता है, एक्चुअली में अगर उस पर एनालाइज सही से किया जाए, अगर उनको सुना जाए, अगर उनको बताया जाए कि नहीं, आपकी हर समस्या का एक जो अलग है एक उपलब्ध ऑप्शन हमारे पास है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा सा सबर करिए और थोड़ा सा दूसरी तरफ जो है वो मोड़ करिए। देखिए कितनी छोटी बात होती है कि आप एक एग्जाम के अंदर फेल हो गए हैं तो आपने सुसाइड कर लिया, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कितनी छोटी ये बात है। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम होते हैं तो क्या प्रेशर है ये। तो हर एक प्रॉब्लम का, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना एक समय पर लगे, लेकिन उसका समाधान जरूर से जरूर होता है। तो इसके ऊपर आप लोग भी अपने अपने अलग अलग विचार यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि कैसे और स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं इसको प्रिवेंट करने की। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजीज ली गई हैं, जरा उसको देख लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी ली गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है हमारी, उन्होंने 2019 में एक टास्क फोर्स बनाई और उसका केवल और केवल यही काम था कि उनको एक स्ट्रेटजी बनानी है। एक स्ट्रेटजी बनानी है किस चीज़ के लिए? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के नाम से ये होगी कि नेशन में राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी खुदकुशी आत्महत्याएं होती है उनको रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, एक नियम हमारे द्वारा एक पूरा का पूरा क्या बनाया जा रहा है, नीति बनाई जा रही है, वो बनाई भी जाती है। फाइनल स्ट्रेटजी जो है वो नवंबर 21, 2022 में ही लॉन्च होती है और उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य होता है कि यहाँ पर 2030 तक इंडिया के अंदर जितनी भी सुसाइड होती है उनमें से 10% को हम जरूर कम कर देंगे। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, 10% को कम करेंगे। अब आप गूगल पे भी अगर जाएंगे सर्च करेंगे तो बहुत सारा सुसाइड वर्ड के साथ में ही आपको जो हेल्पिंग वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली दिखाई जाती है कि आप चाहे तो एक बार बात कर सकते हो इनके साथ में। तो ऐसे ही जब यहाँ पर कोई बहुत फेमस इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा पता कैसे चलता है कि ये बिहेवियर बढ़ रहा है? ये बिहेवियर बढ़ता है, पता चलता है गूगल के सर्च से। यानी कि जब गूगल के ऊपर ऐसे सर्च जो है वो बड़ी मात्रा में हो जाते हैं कि हाउ टू कमिट सुसाइड, तब हमें समझ में आता है कि इसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बिहेवियर जो उनको बड़े फेमस इंसान को पसंद करते थे उन लोगों के ऊपर एक्चुअली में क्या पड़ रहा है।
फिलहाल के लिए स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर कोलाब्रेशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें साथ में आएगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री आएगी, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सोशल वेलफेयर, ये सब एक साथ मिलके स्कूल से लेके कॉलेज तक, यहाँ पर इंटरनेट से लेके आपके मोबाइल फ़ोन तक, टीवी तक, हर जगह तक आपको ये बताया जाएगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है। और यही जो कारण होंगे इन्हीं से अवेयरनेस फैला के क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे इसको रोका जा सकता है। पर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है, पर्सनल लेवल पे सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को अगर मेंटल डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, एलिनिएट रहता है, अकेला रहता है, बात नहीं कर पाता है, आप लोगों से खुल नहीं पाता है, तो फैमिली जो फ्रेंड है उन सभी को एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि उसको केयर मिल सके, यूथ फ्रेंडली एनवायरमेंट हो, समझ सके, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, उनको अगर थेरेपी की ज़रूरत हो उनको थेरेपी दिलवाई जाए। ये सब करने के बाद में हम देखेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई अगर ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो आप एज अ इंडिविजुअल, अगर ये केस स्टडी आ जाती है मेंस कैंसर राइटिंग के अंदर, तो आपसे पूछा जाता है कि आप एज एन इंडिविजुअल किसी की कैसे मदद करेंगे। या आपने गवर्नमेंट का पार्ट बता दिया है, आपने एनजीओस का पार्ट बता दिया है, आपने अवेयरनेस का बात बता दिया है, फैमिली का पार्ट बता दिया है, लेकिन आप किसी के क्लोज फ्रेंड है, यही केस स्टडी में आया हुआ है, पूछा गया एथिक्स के अंदर। अब आपकी क्या भूमिका है, आपकी भूमिका ये होगी कि आप उसको सलाह दें या उस पर कोई चीज़ साथ में मिलकर उससे करवाएं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, अच्छी डाइट खाओ, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो, मॉडरेट एंड अप्रोप्रिएट यूज करो इंटरनेट का, इतना ज्यादा भी ना हो कि उससे आपको वो हार्म करने लगे, इतना कम भी ना हो कि आप पीछे छूट जाओ सबसे। तो एक सपोर्टिव फ्रेंडशिप आप उसको बना सकते हो, योगा करवा सकते हो, मेडिटेशन करवा सकते हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर कोई इंसान बहुत परेशान है, अगर वो 30 मिनट्स के लिए अपनी डेली की लाइफ के अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, 30 मिनट्स के लिए योगा करना शुरू कर देता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव मेथड आ सकते हैं जिसमें जो यंग पीपल्स है, पर्सन है, उनको क्या क्या पोटेंशियल उनके अंदर है। मान लीजिए किसी को नीट क्लियर नहीं करना है लेकिन उसको जरूरी है, उसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये देखिए ना, टेस्ट करवाइए ना आप, जैसे कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में यहाँ पर टेस्ट होती है कि किसी भी बच्चे को बैठा कर सेट लिया जाता है कि आपको पता चल जाएगा हमें कि आपका जो क्षमताएं हैं वो किस तरफ में ज़्यादा, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो किस स्पोर्ट्स के अंदर आप अच्छे हो, आप क्रिएटिविटी में ज़्यादा अच्छे हो, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हो। ये सब टेस्ट करवाने के बाद में जो बच्चा है जिसमें उसका पोटेंशियल है उसको उस तरफ में भेजा जा सकता है। सोसाइटी के लेवल पर देखिए जो ये स्टिग्मा है इससे रिलेटेड कि कोई फेल हो जाता है, उस स्टिग्मा को, उस कलंक को घटाना पड़ेगा। कोई अगर फेल हो भी गया है तो कोई बात नहीं, चाहे वो जिंदगी में किसी बिजनेस में फेल हो गया है, चाहे वो किसी कारोबार में फेल हो गया है, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, उस इंसान को इतना मत यहाँ पर कलंकित कीजिए, इतना स्टिग्मा मत लगाइए कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है, बल्कि ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, एक बार फेलियर हुई है, ऐसा सपोर्टिव माहौल दिया जाना चाहिए। और जीवन में हर कोई इंसान एक ही चीज प्राप्त नहीं कर सकता है, आप में से भी जितने बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से भी 1000 सीट होंगी जो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन जो एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनकी संख्या 1000 नहीं 10 लाख से ऊपर होने वाली है, और 20 लाख से प्लस अभी आप लोगों के साथ में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, जीवन में इतना इतना ज़्यादा सीरियस उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। और सोसाइटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भेदभाव ना करें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल बात कर रहा है हाउ PMLA गॉट इट्स शार्प टीथ। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए ये जो एक्ट है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, द हिंदू के अंदर ये आया हुआ था, अब जो है ये आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। देखते हैं कि कुछ इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो PMLA एक्ट होता है इसको यहाँ पर संभाला जाता है ED के द्वारा। ED क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ED के अंदर 3 ऐसे एक्ट है जिनके तहत वो काम कर सकता है। पहला एक्ट होता है FEMA के नाम से। FEMA का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फॉरेन जो यहाँ पर पैसे आ रहे हैं और उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है वो यहाँ पर एक्ट आता है 1999 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ED उस पर काम करेगा। दूसरा जो काम करेगा वो करेगा PMLA के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि आता है 2002 के अंदर। और तीसरा जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा FEOA यानी कि फ्यूगी
फ्यूगेटिव जो कोई भगोड़े होते हैं, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में इसको लाया गया था, और भगोड़े जो यहाँ से भाग जाते हैं इकोनॉमी के अंदर कुछ ऑफेंस करके, उनके लिए बनाया गया था। और ईडी के अंदर ये काम करते हैं। ईडी जो होती है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर आएगा? कर के डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर फाइनेंस जो है उसके अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो उसके अंदर ये काम करते हैं। ये अलग अलग इसके रीजनल हेडक्वार्टर है। इसके अंदर जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, इसके लिए कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता है। अलग अलग ब्रांच से, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको लिया जाता है। कोई IAS यहाँ पर होते हैं, IPS होते हैं, IRS होते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल लगता है कि सेंट्रल एजेंसी के लिए यहाँ पर काम करने के लायक है, उन्होंने जो काम किया है उसमें प्रदर्शन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा किया है, तो उनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। चलिए PMLA एक्ट को अभी फिलहाल अच्छे से समझते हैं एक बारी में। बार बार PMLA एक्ट के ऊपर यहाँ पर दोष लगाए जाते हैं। दोष यानी कि रीजन जो लगाए जाते हैं, उनका कारण ये होता है कि PMLA एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है नेचर के अंदर, और ऐसा पहले था नहीं, अब ज़्यादा हो गया, सख्त हो गया, कड़ा हो गया है ज़्यादा। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया जा रहा है बार बार जो इसके अंदर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। PMLA एक्ट आता है 2002 में, लेकिन अभी भी इसमें दो बार अमेंडमेंट या संशोधन जो है वो हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस के द्वारा खुद का मैनिफेस्टो दिया गया है। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है और कहती है कि अगर आप मुझे इतना वोट देंगे इसके बाद में ये काम मैं करूंगा, वो होता है मैनिफेस्टो। उसमें उसको नाम दिया गया है कांग्रेस, या फिर जब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया क्या है, एक गवर्नमेंट यहाँ पर अलायंस दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस भी है। यहाँ पर अलग अलग जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है यूनियन के लिए, उनका सभी का एक संधि दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही लिखा हुआ है इंडिया, तो INDI के नाम से ये पॉलिटिकल पार्टी है। देखते हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है न्यायपत्र। न्यायपत्र यानी कि जस्टिस का लेटर हम इसको देख सकते हैं। ये बोलते हैं कि अगर लोकसभा के इलेक्शन जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं, तो जो वेपनाइजेशन किया जा रहा है कानूनों का, वेपनाइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ को आप वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। आपने कुछ कानून बनाए, आपने उनका इस्तेमाल हथियारों की तरह करना शुरू कर दिया। बार बार ये ईडी के ऊपर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं आरोप कि कैसे सरकार जो है वो सेंट्रल एजेंसी CBI ईडी इन सब का इस्तेमाल करके जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग लीडर हैं उनको फंसवा रही है, उनके ऊपर मुकदमे कर रही है। और क्योंकि ईडी का जो यहाँ पर PMLA एक्ट है उसके तहत ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, बेल मिल सकती है, लेकिन बेल कब मिलेगी, जब आप यहाँ पर जो जज इनको भेज ले रहा वो जिम्मेवारी लेगा कि दोबारा ऐसा या फ्यूचर में कुछ करेंगे नहीं, या ये निर्दोष है, क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 साल तक बिना कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा मुकदमा जाए, बिना बेल मिले यहां पर क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो इसी वजह से क्या किया जा रहा है कि किसी के भी ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, झूठा इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया जाता है और उनको जेल में भर लिया जाता है। ये अपोजिशन का कहना है, उनके ये इल्ज़ामात हैं गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि हम वेपनाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, जैसे कि PMLA जैसे एक्ट है। दूसरा यहाँ पर यूपा का एक्ट भी देख सकते हो, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इनको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे, डेमोक्रेसी को यहाँ पर बचाएंगे, जो डर है यहाँ पर लोगों के बीच में उसको ख़त्म किया जाएगा, और फ्रीडम यानी कि आज़ादी जो है वो यहाँ पर दोबारा से रिस्टोर की जाएगी समाज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें क्या बयान है, चलिए समझते हैं। देखिए जुलाई 2022 के अंदर एक 3 जजेस का बेंच बैठता है, जिसमें जस्टिस AM खालवाखर जो कि अभी रिटायर्ड हो चुकी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी थी PMLA को। अब ये अलग अलग 200 ऐसे इंडिविजुअल पिटिशनर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी? क्योंकि क्या हुआ था कि BJP लेड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज किया PMLA एक्ट के अंतर्गत में। 2021 में ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर लेके जाया गया कि ये तो पूरा बदलाव ही कर रहे हैं आप, यहाँ पर IPC के कानून भी लगा रहे हो आप, यहाँ पर जो कि कानून था सिर्फ इकोनॉमी के अंदर, कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर कुछ कर देता है, लेकिन आपने इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से हम देख पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगेन फिर हम बात करें कि लो एस्टैब्लिश्ड बाय यहाँ पर जो लैंड है उसके हिसाब से काम करता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, कानून ठीक तरीके से बना है, उसका अमेंडमेंट भी ठीक तरीके से हुआ है।
लेकिन अभी फिर से जो ये एक्ट है इनके ऊपर बार बार नेगेटिव प्रोविजन लग रहे हैं, जैसे कि इसी का एक नेगेटिव प्रोविजन है पीएमएलए का, जो कि है सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कोई भी पर्सन है उसको बेल नहीं मिल सकती है, प्राइमिया फेसिया पे तो बिल्कुल भी उसको बेल यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसमें कुछ हम देख पाएंगे कि एक्सेप्शंस भी यहाँ पर है। अब इसमें ये क्या है, एक्सेप्शंस के अंदर हम देखेंगे कि कोई महिला है तो उनको यहाँ पर बेल दी जा सकती है अगर जो जज है वो चाहे, या फिर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, इनको बेल मिल सकती है, अदरवाइज किसी को भी बेल यहाँ पर नहीं मिलेगी। पीएमएलए की शुरुआत कैसे होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। पीएमएलए जो है सबसे पहले ग्लोबल टेररिज्म बहुत आ रहा था, ग्लोबल टेररिज्म यानी कि पूरा का पूरा आतंकवाद जो है वो वैश्विक स्तर पे था 1990 के समय में, और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सबसे पहले ये क्रिएट होती है 1989 के अंदर, और इनका काम था कि इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके खिलाफ मिलके काम करना है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा मतलब होता है आपने ब्लैक के अंदर कोई पैसा कमाया और उसको व्हाइट में करके इस्तेमाल कर रहे हो, ये होती है मनी का लॉन्ड्रिंग करना, यानी कि मनी को एक तरीके से साफ कर देना। अब हम देखते हैं कि इसको रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई जाती है। उसी से प्रभावित होकर सभी को ये बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी कि आप अपने अपने स्तर पे भी ऐसे कोई कानून बनाइए। इंडिया भी हम देखते हैं कि पीएमएलए एक्ट को लेकर आता है 1998 में, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, जो उस समय के अटल यहाँ पर बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन प्रपोज लॉ के ऊपर अपोजिशन थोड़ा सा शक उठाता है, उनको लगता है कि इतना ज़्यादा आप यहाँ पर इसका गैर इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है ना, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो अपोजिशन यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन फिर भी ये जो एक्ट है वो एक्चुअली में पास हो जाता है। इसके ऊपर पहले रिपोर्ट बनानी जाती है, ये जो एक्ट है, ये जो कानून था एक्चुअली में इसको एक कमेटी को भेजा जाता है, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, तो स्पीकर इसको कमेटी को देखते हैं, इसको कहते हैं कि ठीक है आप इसमें चर्चा कीजिए, देख लीजिए क्या ये सही में ज़रूरी भी है नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उनकी रिपोर्ट आती है जिसको 12th रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में वो रिपोर्ट दी जाती है। अक्टूबर 1999 के अंदर गवर्नमेंट इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करती है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1999 के नाम से लोकसभा के अंदर बिल पास हो जाता है फरवरी में, और हम देखते हैं कि राज्यसभा में ये जो बिल पास होता है वो 1999 के बाद में डायरेक्टली पास होगा यहाँ पर 2002 के अंदर। 2002 में ये पास होता है राज्यसभा से, लेकिन पूरे देश भर में इसको पहली बार लागू किया जाता है 2005 में। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि कैसे ये कानून फोर्स में आता है। इसके बाद दो इसमें संशोधन हो चुके हैं। पहला जो अमेंडमेंट होता है वो होता है 2009 के अंदर, जिसके अंदर हम देख पाएंगे कि जो यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती है कि कोई भी इंसान कॉन्स्पिरेंस कर रहा है किसी के साथ मिलकर, यहाँ पर एक हम सोचेंगे कि पूरा की पूरी प्लानिंग कर रहा है बैठ के कि कोई हमें काम कैसे क्रिमिनली करना है, तो उसको जो यहाँ पर अंडर सेक्शन 120 बी के अंदर आती है आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड जो होता है या भारतीय धारा जो है, वो हम देख पाएंगे कि उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि ईडी अगर चाहे तो यहाँ पर उन केसेस को भी लेके आ सकता है जो कि पीएमएलए के शेड्यूल में पहले होते नहीं थे। फिर 2012 में इसका फिर से अमेंडमेंट किया जाता है। इस समय पे हम देख पाएंगे पीएमएलए को अमेंड करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 था उसके पार्ट ए को भी स्टेट्यूट शेड्यूल में पार्ट बी से हटाकर रख दिया जाता है। इसके अंदर यही बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर या कोई भी सरकारी अधिकारी अगर करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर ईडी डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। ये था पूरा का पूरा एक्ट। इम्पोर्टेंट अगेन हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर, मेंस में इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मेंस के अंदर इस पे सवाल आ सकता है, बहुत सारे इससे रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए क्या सही में गलत है, ठीक है, क्या क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, तो इन्हीं तरीके से सवाल जो है मेंस के लिए आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है टोटल सोलर इक्लिप्स इन नॉर्थ अमेरिका, वाई दिस इज सो रेयर।
देखिए क्या हुआ है, हम देखते हैं कि कैसे कल के दिन में यहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया था नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर से भी ये मेक्सिको, यहाँ पर हम देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, इनके अंदर से हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा जो सूरज है वो पूरे तरीके से छिप जाता है। बहुत ही रेयर है, बहुत कम ये हो पाता है, पर्टिकुलर स्पॉट पे ही होगा, ऐसा नहीं होगा आपको पूरी अर्थ पे दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए कोई एक ऐसा स्पॉट होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये हो पाता है। अब क्या होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रहण है, पूरा पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण जो होता है वो जब होता है जब यहाँ पर मून जो होगा वो अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर सन बहुत बड़ा है, मान लीजिए सन है, हमारे पता है हमारी अर्थ छोटी है, इतनी सी हमारी अर्थ, और मून तो और भी ज़्यादा छोटा है। लेकिन जब मून घूम घूम कर यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो मून की जो शेडो, ये जो लाइट्स आ रही थी मून, क्योंकि बीच में आप इसको छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, अर्थ थोड़ी बड़ी है, मून यहाँ पर इतना सा है। अब ये जो है यहाँ से तो यहाँ पर जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, मून के ऊपर ज़्यादा पड़ी और इसी वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइट्स है वो कम आ पा रही है। कई बार आपको दिखाई देगा कि हमें सिर्फ सोलर जो इक्लिप्स होते हैं उसमें कोरोना दिखाई देता है। कोरोना क्या है? कोरोना एक्चुअली में सूर्य की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो दिखाई देती है हमें, ग्लोइंग सतह, उसका नाम होता है कोरोना, वो हमें दिखाई देती है। तो ये होता है सन का किसी भी चीज़ में जब हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स हो जाना, ये जो शेडो होती है इसकी अलग अलग जगह पे पड़ती है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ पे अगर आप लाइट डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या उसकी शेडो नहीं बनेगी, परछाई जरूर बनेगी, अंधेरे में तो किसी की परछाई नहीं बन सकती है। तो जब ये लाइट गिरती है मून के ऊपर, मून पे लाइट गिरी है तो मून की एक शेडो भी बनेगी, परछाई भी बनेगी, और वो शेडो अर्थ के किसी पार्ट पे पड़ेगी जहाँ पे उस समय पे हम देख पाएंगे कि सन कहाँ पे लोकेटेड था। फिलहाल के लिए अभी चार डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एनुअल सोलर इक्लिप्स होता है, हर साल का जो एक सोलर सूर्य ग्रहण होता है वो होता है, फिर पार्शियल होता है कि बहुत कम, मान लीजिए इतना सूरज हमें दिखाई दे रहा था, ये पूरा सन है, यहाँ पर रेज है, और ये इतना हमें, अब यहाँ पर चांद आ गया, इतना हमें दिखाई दे रहा है, क्या पार्शियल है, आधा है। उसके बाद होता है हाइब्रिड, कि यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत सोलर इक्लिप्स हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। जब मून ब्लॉक कर लेता है सन को पूरे तरीके से, और मून की जो शेडो होती है वो वहाँ पर विटनेस होती है किसी भी जगह पर, अब ये क्या दिखाई दे रही है, मून की परछाई तो दिखाई दे रही है ना, अब ये जो पूरा का पूरा मून तो अभी भी आया हुआ है, लेकिन अर्थ के ऊपर इंडिया में कल हमें कहीं पे भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दिया। उसके मुकाबले में मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट एंड यहाँ पर कैनेडा के अंदर पूरा सूर्य ग्रहण था, पूरा हम देख पाते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि वहाँ पर मून की शेडो गिर रही थी, वहाँ पर मून की जो शेडो वो दिखाई दे रही थी, इसी वजह से जो सूरज है वो उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। हाउ ऑफन इज सोलर इक्लिप्स हैपन, कब कब ये कितनी जल्दी हो जाता है? सोलर इक्लिप्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू मून के ऊपर ही होगा, यानी कि जो आपके न्यू मून बनता है, पूर्णिमा जब होती है, क्योंकि पूरा का पूरा मून जो है हमारा वो पूरा है, उस दिन वो होगा जब मून जो अर्थ है वो एक ही दिशा में आ जाएंगे। हालांकि जो न्यू मून है वो अभी देखते हैं कि 29.5 डेज के अंदर होता है, लेकिन जब हम देख पाते हैं कि कंडीशन स्पीड के अकॉर्डिंग मून यहाँ पर आ रहा है, स्पीड के अकॉर्डिंग सब चीजों में से साल में से 2 या 3 बार ही सूर्य ग्रह हो पाता है, और ये भी जब होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए हमारी जो अर्थ है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकली ये साउथ पोल है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री यहाँ पर टिल्टेड है, तो ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकली, ये साउथ पोल है, लेकिन हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से है, आप देख पाएंगे कुछ झुकी हुई है थोड़ी सी, लेकिन अर्थ अर्थ नहीं झुकी हुई, क्योंकि अर्थ झुकी हुई तो साथ में ग्रेविटेशन का फोर्स मून पे भी काम करता है। मून एक्चुअली में अर्थ के अराउंड घूमता ही क्यों है? चांद इसलिए घूमता है क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो अर्थ उसको अपने पास रखे रहती है, उसको दूर नहीं जाने दे रही, हालांकि हर साल कुछ इंचिस से कुछ उस सेंटीमीटर से क्या हो रहा है, मून दूर जा भी रहा है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स वो जब घूम रहा है तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाता भी जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा भी हो सकता है कि मून पूरा का पूरा अर्थ से बाहर ही निकल जाए, दिखना ही बंद हो जाए, और उसके चारों तरफ अराउंड करना, ऑर्बिट करना भी बंद कर दे।
फिलहाल के लिए ऐसा होता है, मून है वो 5 डिग्री से टिल्टेड है, 5 डिग्री से वो थोड़ा सा झुका हुआ है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, जिसकी वजह से मून जब कभी कभी सन और अर्थ के बिल्कुल यूजुअली बीच में आ जाता है तो या तो उसकी शेडो बहुत ही ऊँची बनती है या फिर बहुत ही नीची बनती है कि वो प्लैनेट के ऊपर एक्चुअली में फॉल ही नहीं कर पाती है। क्योंकि 5 डिग्री आप टिल्ट देखेंगे ना, कोई चीज़ अगर 5 डिग्री झुकी हुई है तो मान लीजिए ये एक चीज़ है जो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर इसकी शेडो बनेगी तो इसकी शेडो कहाँ जाएगी, नॉर्मली ये शेडो यहाँ पर आएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही अगर 90 पे ना होकर 85 डिग्री पे हो जाए तो अब शेडो कैसे जा रही है, अब शेडो इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर शेडो गिरेगी, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था क्योंकि वो थोड़ा नीचे जा रही है तो इसी वजह से वो शेडो इस ऑब्जेक्ट पर गिर ही नहीं पा रही है। अब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, 85 डिग्री के ऊपर है हमारी जो अर्थ है, शेडो ऐसे ही जा रही है, यहाँ पर शेडो जा रही है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नीचे थी। तो क्योंकि सन जो है, मान लीजिए मून क्या है, घूम रहा है अर्थ के अराउंड, मून ने अब की बार यहाँ से पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण किया, शेडो उसकी बनी, शेडो इधर बन गई, अर्थ यहाँ पर थी, तो अर्थ के ऊपर शेडो गिर ही नहीं पाई, इसी वजह से हमें ये ज़्यादातर दिखाई नहीं देता। चलिए इसको जरा थोड़ा सा डायग्राम की तरफ से भी समझते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं कब से कह रही हूँ, ये हमारा मून है, यहाँ पर सन दिखाई देता है, तो सन जो होता है वो एक्चुअली में इस तरीके से रेज सन की यहाँ पर जाती रहती है अलग अलग, तो पार्शियल इक्लिप्स जो होगा वो यहाँ पर अलग अलग जगह इसमें दिखाई देगा, टोटल इक्लिप्स, ये देखिए धरती है, एक जगह पे बिल्कुल भी सूरज है ही नहीं, दूसरी जगह पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मून बीच में आया हुआ है, मून के आधे हिस्से पे लाइट है लेकिन इस तरफ लाइट नहीं गिर रही है क्योंकि यहाँ से तो कोई लाइट उसको मिल नहीं रही है, तो ये हिस्सा पूरा का पूरा शेडो में है। अब इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पर लाइट गिरी है तो इसकी खुद की शेडो बनेगी, और जो वो शेडो बनती है वो बनती है किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जैसे यहाँ पर बनी है। अब यहाँ से जो आदमी खड़ा होकर देखेगा तो उसको पूरा का पूरा टोटल मून दिखाई, या टोटल जो सूर्य ग्रहण है वो दिखाई देगा, पूर्ण यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन जो इंसान यहाँ पर है, मान लीजिए कोई इंसान है जो फिलहाल यहाँ पर था, जो यहाँ पर था उसको टोटल था, कोई यहाँ पर था उसको टोटल ना दिख के आधा दिखाई देगा, पार्शियल इक्लिप्स देगा कि आधा जो इतना जो सन है वो नहीं है, इतना ही दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसको क्या होगा, इतना सन दिखाई नहीं देगा, केवल इतना दिखाई देगा, ये पार्शियल दिखाई देगा। यहाँ पर जो टोटल आपका बनता है, इसके लिए प्रीलिम्स के लिए में एक टर्म भी होती है जिसका इस्तेमाल होता है, उम्ब्रा, यानी कि जहाँ से शेडो टोटल बना रही है उसको उम्ब्रा बोला जाता है, और जहाँ पर पार्शियल बना रही है उसको पिनुम्ब्रा बोला जाता है। अब ये सवाल है जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्शियल कैसे होता है। पार्शियल होता है ये कि आपको इतना सन दिखाई दे रहा है एक भाग से, दूसरी तरफ वाला पार्शियल होता है इतना दिखाई दे रहा है, और टोटल होता है कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर इसके ऊपर वो आ गया है, लेकिन जो ये व्हाइट आप देख पा रहे हैं ये है कोरोना की, आपको उसकी लाइटिंग बाहर वाला एक व्हाइट जो सूर्य का वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। देखिए अब ये आर्टिकल हम देख पाते हैं लिखा गया है सिमोना सेन के द्वारा। हमें पता है कि अभी क्या हुआ था, एक जर्मनी से बल्कि डेनिश यहाँ पर एक शिप होता था जो बाल्टीमोर ब्रिज जो है यूएसए के अंदर उससे टकरा जाता है। ब्रिज के ऊपर 6 आदमी थे, रात का ये 12 से 1 बजे के बीच का टाइम था, उस समय पर वो ब्रिज एकदम से टकरा के उससे टूट जाता है। ऐसे ही क्यों टकरा गया शिप, क्योंकि शिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई थी, उसका आउट ऑफ कंट्रोल वो था, और इसको टूट जाने से नुकसान क्या हो रहा है यही इसमें बताया गया है। तो जो ब्रिज है 26 मार्च को ये टूटा था, कलैप्स जो हुई थी इसकी हुई थी फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के साथ में, और पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर इसकी वजह से हाईलाइट हो गया। अब ये पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर है कहाँ और पोर्ट है कहाँ पर, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट मैप का क्वेश्चन, मैपिंग के लिए आ जाएगा, प्रीलिम्स में ही आ जाएगा, मेंस के लिए शायद ना भी पूछा जाए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रीलिम्स में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसकी लोकेशन जरूर देखिएगा कि एक्चुअली में पोर्ट है कहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हमें पता चलता है कि यूएसए का जो फोर्थ जो सबसे बड़ा यहाँ पर पोर्ट है वो यही है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक क्या होगा, जैसे आप रोड पे जाते हो तो रोड के ऊपर जो व्हीकल्स होते हैं वो वही हैं जो रोड पे चल सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो व्हीकल्स चलते हैं वो वेसल्स होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं। तो समुद्री जहाज जो होता है उसका भी तो ट्रैफिक होगा ना, कि 4 समुद्री जहाज कहीं पर निकल रहे हैं तो भीड़ हो गई है, ट्रैफिक हो गया है, उसको ट्रैफिक बोला जाता है। एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के अंदर, उन्होंने इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को सप्लाई चेन के ऊपर क्या पड़ेंगे उसका विश्लेषण किया है। देखते हैं कि क्या क्या ये बता रहे हैं। सबसे पहले जो पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर है वो
ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 2023 के अंदर हम देखते हैं कि लगभग 50 मिलियन टन्स के जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, वो यूएसए से और अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ से भेजी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज शिपिंग कंटेनर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो जो स्मॉलर अदर छोटे छोटे पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट के ऊपर यूएसए के अंदर या गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर, वहाँ पर भी यूएस के इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिक का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक लार्ज जो शेयर यूएस की जो शुगर इंपोर्ट वगैरह है या हैवी मशीनरी है, उन सारी चीज़ों का लार्ज शेयर यहीं से होकर जाता था। शॉर्ट टर्म इस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म जो होंगे नज़दीकी प्रभाव ये होंगे कि लगभग 15,000 से लेकर यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको इस पे काम करना पड़ रहा है। 1,40,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इस पे डिपेंड थे, यहाँ पे उनकी आजीविका चलती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर काम चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से कम लोग जो होंगे वो उसको लेके जाएंगे। कंपनीज और जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिले होगा, उनके पैकेज टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए, प्रॉब्लम जो है वो सप्लाई चेन के अंदर होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर हो रहा है। हाउती जो है एक इसराइल का हमें पता है टेररिस्ट ग्रुप है, यहाँ पर हाउती ग्रुप जो कि इसराइल का वजह से लड़ रहा है एक्चुअली में, और इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है। इसराइल का ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप ये है ईरान का। तो क्योंकि पैलेस्टाइन लोगों के साथ में उनका मानना है कि जो भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है इसराइल के साथ और जो भी पैलेस्टाइन लोगों के साथ में सब कुछ होने दे रहा है वो सब उनके दुश्मन है, और वो शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, खास करके रेड सी के अंदर भी और पनामा कैनल के अंदर भी, जिनकी वजह से जो डिलीवरी टाइम है वो वैसे ही बढ़ गया है, चीज़ें टाइम पर नहीं पहुँच पा रही है ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स के ऊपर, और अब इससे और ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यही होगा कि जो रेल कंपनीज वगैरह है या फिर मोर बिजनेस जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 3 में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में भी बात करें सेमीकंडक्टर की, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बोल रहा है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग ए सेमीकंडक्टर चिप। देखिए अभी तक की क्या स्टोरी है, आर्टिकल लिखा गया है संदीप राव के द्वारा, कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी या समानताएं हम देख पाएंगे इसके अंदर, या कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे, क्षमताओं को देखेंगे, तो ये बहुत ही कम जगह पे हैं। वर्ल्ड की बहुत ही कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर जो है उनको बनाया जा सकता है। कुछ जो ये सप्लाई चेन के अंदर डिस्टर्बेंस आया था, जियोग्राफिकल टेंशंस की वजह से आ गया था, युद्ध हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, फिर हम देखते हैं कोविड की वजह से आ गया था, तो इन सारी कारणों की वजह से ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अभी इंडिया के अंदर क्योंकि हमने देखा कि ऐसे तो कभी भी सप्लाई रुक सकती है, तो टाटा के जो ग्रुप है उनकी जो एक यहाँ पर हम देख पाएंगे कंपनी है TELC के नाम से, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर किया है ताइवान के साथ में। ताइवान एक कंट्री है और उन्होंने पार्टनरशिप की है ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ में, और इसी के अंतर्गत यहाँ पर 300 mm का एक वेफर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जाएगा गुजरात के अंदर, जो कि 2026 में जाकर चालू होगा और 28 mm चिप वहाँ पर बनाई जाएंगी, प्लांट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा और भी प्लान है कि एक गुजरात और आसाम के अंदर भी यहाँ पर एक प्लान और लगाया जाएगा, जो प्लांट इसको लगाया जाएगा, तो इसकी अप्रूवल दोनों भी मिल चुकी है। क्या है सेमीकंडक्टर और क्यों इससे रिलेटेड इतनी बातें चल रही हैं, सबसे पहले तो आपको सेमीकंडक्टर ही समझना पड़ेगा। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होता है कोई भी जो लाइट है, मान लीजिए लाइट कैसे प्रोसेस करती है, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। यानी कि पानी के बहाव को आप क्या बोलेंगे, नदी बोलेंगे, राइट, कि नदी या नाला जो भी अकॉर्डिंगली साइज है उसके हिसाब से चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, पानी किससे बना हुआ है, H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल प्लस एक ऑक्सीजन का यहाँ पर मिलती है, वाटर बनाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के जो मिलते हैं आपस में वो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो करते हैं, घूमते हैं, तो उसी को यहाँ पर लाइट के नाम से, विद्युत के नाम से जाना जाता है। जो इस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे में से फ्लो करने देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी कॉपर की वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, आपने उस कॉपर की वायर के ऊपर एक मेटल लगा दिया,
क्या लगाया आपने, मान लीजिए सिल्वर लगा दिया, चांदी आपने लगा दी हो। अब जो ये मेटल है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे वो आराम से फ्लो कर जाएंगे। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कॉपर की वायर के अंदर थी, अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सिल्वर से रिलेटेड जो भी मेटल उस पर लगाया उसके अंदर भी आ चुकी है। ये क्या होगा, ये होगा कंडक्टर, यानी कि आराम से आप किसी चीज़ को अपने अंदर आने दे रहे हो, आराम से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के उसके अंदर चला जाता है क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है, होल ज़्यादा नहीं है। दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कि आप ऐसे ही फ्लो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रॉन 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 यहाँ पर जा रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के सामने आपने आगे लगा दिया मान लीजिए प्लास्टिक या रबड़ लगा दिया है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर रबड़ लगा होता है। अब वो क्या करें, आप उसको ऊपर से छेड़ेंगे भी तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रबड़ क्या कर रही है कि इसको अपने अंदर एंटर ही नहीं होने दे रही है इलेक्ट्रॉन को, वो बाहर ही रखती है, और इसका कारण से ये बन जाते हैं इंसुलेटर। अब इन्हीं के बीच की एक चीज़ है जिसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर, यानी कि ये एक समय पे इंसुलेटर भी होते हैं, अपने अंदर से नहीं भी जाने देंगे लाइट को, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, कुछ कंडीशन चेंज करेंगे, तो एक कंडक्टर भी बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जाने भी देंगे। इसी का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, अब थोड़ा सा अर्थ को समझिए, देखिए ये हमारी अर्थ है 0 डिग्री, इस तरीके से अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर्स में अर्थ बटी हुई है। अर्थ अलग अलग लेयर्स में कैसे बटी हुई है, सबसे पहले क्रस्ट आता है, ये क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंटल आता है, ये है मेंटल, और उसके बाद हम देखते हैं कोर आता है, राइट, इस तरीके से बटी हुई है। फिर कोर को भी हम अपर कोर, आउटर कोर, इनर कोर में बांट देते हैं, मेंटल को भी हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांट देते हैं, क्रस्ट हमारा क्रस्ट रहता है। अब जो आप ये समझ रहे हो तो हमें पता चलता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि जो आपका क्रस्ट है जो कि कितने किलोमीटर का होता है, यहाँ पर 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक हो सकता है चौड़ाई में। क्यों बोल रही हूँ 0 से लेकर 70, क्योंकि हम देख पाएंगे कि जो ओशनिक करंट होता है, जो समुद्री करंट, यहाँ पर क्रस्ट होगी, सतह होगी, वो यहाँ पर 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक की ही होती है, थोड़ी कम साइज में होती है क्योंकि पानी आ जाता है ऊपर। लेकिन जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो वो तो क्रस्ट है, वो तो काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि नीचे से आप लगातार आ रहे हो, पहाड़ है, तो इसी वजह से एक क्रस्ट है। और क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मटेरियल मिलता है वो मिलता है सिलिकॉन, उसके बाद में अलग और मटेरियल है, लेकिन ओवरऑल जो अर्थ है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेंटल और जो इनर कोर है उनमें हम देख पाएंगे कि आयरन, जो लोहा होता है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। ये एक ज्योग्राफी का सवाल आपका इससे हल हो सकता है। सिलिकॉन जो अलग अलग मेटल हम निकालते हैं, मैंने कॉपर की ही बात की, आपने कभी एसी जब लिया होगा तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा होगा कि उसके अंदर कॉपर की वायरिंग हो, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। दूसरा हम देखते हैं सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर, चांदी। चांदी जो होती है वो सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करने देती है। और ऐसे ही अलग अलग मेटल्स फिर आ जाते हैं, जैसे कि आयरन भी यहाँ पर जाने देता है, लेकिन वो कितना अच्छा कंडक्टर है वो हमें पता चल जाता है कि एक बहुत अच्छा है, एक कम अच्छा है। अब जो सिलिकॉन है उससे बनाई जाती है चिपें, और ये चिप कहाँ पर लगती है, ये चिप लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपकी लैपटॉप्स के अंदर, हर चीज़ जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है उसमें चिप लगती है, और उसी को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। क्योंकि सिलिकॉन को जब आप रो मात्रा में ऐसे ही सामने रखेंगे तो वो एक इंसुलेटर होगा, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही एनवायरमेंट बढ़ेगा, उसी टाइम पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये सोचिए आप एक बात, इलेक्ट्रिक आपका फोन है, फोन में आप यहां पर देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपने एकदम से फोन को अभी क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, या स्विच ऑफ की जगह बस आपने उसको बंद कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद क्या आप उसको स्क्रीन को यहां पर छेड़ेंगे तो उसके बाद में भी आपको वीडियो दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके फ़ोन में लगी हुई है सेमीकंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से वो काम कर रहा है। जब आपने पावर को ऑन किया तो उस चिप को इतना टेम्परेचर, इतनी सेटिंग में मिल गया कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो करने दे और आपको आपकी स्क्रीन दिखा दी जाए। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर ख़त्म कर दिया, जैसे ही आपने पावर ऑफ कर दिया, उसी समय पे क्या हो गया कि उसने भी उसकी जो कंडक्टिविटी थी उसी समय पे छोड़ दी। ये होता है सेमीकंडक्टर बनाना। अब इसी से सारा काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके हर चीज़ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे ऐसे और भी चीज़ें, सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे के सिंपल से सिंपल करके इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप अब आप कभी भी सेमीकंडक्टर को नहीं भूल पाएंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है।
इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, 2023 में मेंस में इससे सवाल भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो इसी वजह से इसको कवर करना जरूरी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ठीक है सेमीकंडक्टर है और इस सीख में थोड़ा सा बदलाव करके इसके अंदर क्या किया जाता है, एक सर्टेन सब्सटेंस डाला जाता है कम मात्रा में जिसको बोला जाता है डोपेंट, यानी कि अगर सिलिकॉन है उसी में मैं जब डोपेंट को यहाँ पर डाल दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर बन जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर ये बन जाता है। खैर अभी हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में जो किया जा रहा है वो बनाया जाएगा वेफर टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो एक्चुअली में ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और वेफर टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेंटनेस पेस से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है चिप के अंदर, खासकर 6-60 साल पिछले सालों से हम देखेंगे, लगभग 6 दशकों की बात चल रही है, नई नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई रेगुलर टाइम के ऊपर उनको बदलाव कर दिया जा रहा है। जो लेवल है कि कितने से कितना छोटा आप सेमीकंडक्टर को बना सकते हो, मिनिएचर करना, मान लीजिए पहले आपने सेमीकंडक्टर को क्या बनाया कि इतने बड़े साइज का आपने बना दिया, अब आप उसको इतनी छोटी सी चिप में बनाकर एक मोबाइल फोन के अंदर डालना चाह रहे हो, तो जैसे कि एप्पल की भी एबायोटिक जो चिप होती है वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे, नई नई आप देख पाएंगे, स्पीड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत छोटा छोटा वो होता जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है फैब्रिकेशन कर देना। इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो इक्वली इम्प्रेसिव जो होंगे गेन्स वगैरह होंगे, कैपेबिलिटी जो होगी उसको चेंज कर दिया जाएगा, ये क्या करेगी, लेस पावर कंजप्शन करेगी, बैटरी लाइफ ज़्यादा दे देगी, और इसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एज अ फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि बार 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 उसमें सुधार करना। फिर हम देखते हैं वेफर क्या है, एक सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो एक पोस्टेज स्टैम्प की तरह बनाई जाती है। स्टैम्प क्या होता है, आप किसी चीज़ के ऊपर जो मोहर लगा देते हो, तो यहाँ पर जैसे कि एक शीट होती है स्पेंट स्टैम्प के ऊपर, उसको प्रिंट करके एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर निकाला जाता है और अलग अलग स्टैम्प को कटआउट किया जाता है और उसको लगाने के लिए रखा जाता है। ऐसे ही जो चिप्स होती हैं उनको भी अलग अलग करके सर्कुलर पीसीज के अंदर सेमीकंडक्टर की तरह बना के वेफर में इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अब जो ये यहाँ पर इंडिविजुअल चिप्स हैं उनको पहले काट के अलग अलग किया जाएगा, फिर उसके ऊपर सिंगल वेफर, वो ग्रीन कलर की आपने देखी होंगी पहले, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कलर्स की यहाँ पर चिप्स वगैरह लगती थी, आप उसको ब्लैक मत, स्टोरेज से इससे मत कंपेयर कीजिएगा, राइट। तो ये अलग अलग इसका करंट साइज कम कर दिया जाता है, इसको काटा जाता है, इसको काट के फिर अलग से बनाया जाता है, इसके ऊपर डोपेंट्स डाले जाते हैं, इसको जब इस तरीके से इसमें सिग्नल और डाटा को ऐड किया जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है फोन से, तब जाकर ये बनता है एक वेफर। अब हम देखते हैं कि इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए इंडिया जो है वो चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर 1990 से ही आया हुआ है और मैजिक जो है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन का, वो तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हमारी जो एंटायरली सॉफ्टवेयर है किसी भी सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन करने के, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने बदले हैं। अब जो प्रोसेस है वो यही है कि कैसे जो फंक्शनलिटी होती है किसी चिप की, उसको छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बनाए, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसकी स्पीड बढ़ाए, पावर कंजप्शन को कम करें, साइज को कम करें, तो इस सब को करने के लिए बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के ऊपर बैठे हुए काम करते रहते हैं। इंडिया में फिलहाल अभी एक फैब्रिकेशन प्लांट भी लगने वाला है मैन्युफैक्चर करने के लिए, डिजाइनिंग जो होगी वो एंटायरली इंडिया के अंदर होगी, वो उनको PDF की तरह पब्लिश या किसी और को नहीं भेज पाएंगे, यानी कि कोई उनका डिजाइन को चुरा नहीं पाएगा। इंडिया फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहता है, इंडिया चाहता है ताइवान से कॉन्टैक्ट करके कि हम लोग भी अपने देश के अंदर उसको बनाएं, और अपने देश के अंदर बना के देखिए, एक तो देश में होगा तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, यहीं के लोग उसमें काम करेंगे, दूसरी बात है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो वैसे भी पैसा हमारे यहाँ पर फ्लो करके आएगा, ज़्यादा पैसा हमें मिलेगा, तो ये ओवरऑल अच्छा है। प्रोफेशनल्स जैसे कि कंट्रोल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, मटेरियल साइंटिस्ट, साइकेटिस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब इस इंडस्ट्री में आकर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगले आने वाले कुछ समय में जब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो बोलबाला है वो वर्ल्ड में में बहुत अच्छा होने लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की इंडस्ट्री काफी हद तक यहां पर बढ़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ जेनेटिक इज रिवीलिंग द बायोलॉजी ऑफ स्किन कलर इज मोर देन स्किल डीप। देखिए आर्टिकल लिखा गया है श्रीधर शिवा बाबू विनोद स्केरिया के द्वारा, दोनों ही कह रहे हैं। देखिए एक आर्टिकल छपा था नेचर जेनेटिक्स के अंदर जिसमें हमें पता चलता है कि जो हमारे स्किन का कलर होता है, जो हमारा रंग होता है किसी का भी, वो एक्चुअली में किस वजह से प्रभावित होता है। बहुत छोटे से मैं आपको इसमें समझाना चाहती हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि क्या आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल बोलता है अलग अलग इंसान का अलग अलग रंग है,
किसी को हम देखते हैं बहुत फेयर में आता है, कोई डस्की होता है, कोई मीडियम में आ जाता है, कोई यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक हो जाता है, व्हिटिश हो जाता है, अलग अलग तरीके से है। सबसे पहले इस पे जो काम किया था वो यहाँ पर काम हो गया था 1960s में, जो कि स्वीडिश एक बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लेनेंस नाम के, जिन्होंने ह्यूमन को अलग अलग चार वेराइटीज में बांटा था स्किन के कलर के बेस्ड के ऊपर। फिर एक ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं और उनका नाम था फेलिक्स वॉन लुएसन, जो कि एक स्केल बनाते हैं। अब जो स्केल होता है वो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए बनता है, किसी चीज़ को मापने के लिए बनता है, और उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर 33 कलर्स उस स्केल के ऊपर बनाए कि अभी तक इतने कलर यहाँ पर है, इतनी वैरायटी है ह्यूमंस के अंदर में। अब ये बताया गया है कि जो डार्क स्किन्ड ह्यूमन है वो इवोल्व होते हैं एप से अराउंड 1.2 मिलियन ईयर अगो। तो हम लोग जो यहाँ पर होमो सेपियन है वो सब डार्क स्किन होते थे, और उसके बाद वो इवोल्व होके उनके बॉडी के हेयर धीरे धीरे छूटने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनका उन पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे जो ये कलर बनता है स्किन का, वो बनता है एक सेल से जिसको हम मेलिनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जब एनवायरमेंट चेंज हुआ, बहुत सारे लोगों का क्या हुआ कि एनवायरमेंट चेंज हुआ, बहुत लंबे समय तक जब वो एक एनवायरमेंट में रहने लगे तो उसके बाद में उनकी जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हुआ। और ये कलर जो चेंज होता है इसी वजह से माना जाता था कि सन से रिलेटेड जो लाइट आ रही है उसका इसके ऊपर बहुत प्रभाव है। लेकिन क्योंकि अब कनाडा के अंदर हम देख पाएंगे, यूएसए में बहुत ही फेयर कलर्ड स्किन के जो मेंबर है वो रहते हैं, लेकिन अलास्का में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हमेशा से वहीं पे रह रही है फिर भी वो डार्क स्किन्ड है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट इस बात को लेके बहुत क्यूरियस हो गए कि ये क्या चीज़ है, कि ये इनके ऊपर क्यों नहीं यहाँ पर लेटिट्यूड का या क्यों नहीं इनके ऊपर एनवायरमेंट का फ़र्क पड़ रहा है। तब हमें पता चलता है कि ये जीन्स की वजह से तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि आपके पेरेंट्स का जो कलर है, आपके मदर का जो कलर है, वो क्रोमोसोम से होकर आपके अंदर आएगा। हमें पता है हमारा होता है एक डीएनए जो कि डबल हेलिक्स डीएनए है, उसमें होते हैं लगभग 30,000 या 36,000 डीएनए के हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जीन है, और उस जीन के अंदर एक डीएनए के अंदर ये पेयर में बना हुआ है। एक जीन होता है एंडेनाइन, तो वो मिलता है यहाँ पर गुआनाइन के साथ में, फिर एक होता है थियानाइन, तो वो बनता है साइटोटाइन के नाम में। तो ये चार है जो मिलते हैं, और फॉस्फोरस का डीएनए बना किस चीज से होता है, फॉस्फोरस और शुगर से, तो ये दो चीजों से ये बन के बनता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इसी में हमने सीक्वेंस कर दिया। मान लीजिए आपके पास 36,000 कोई चीज है, आपको बोला जाता है कि इनको नंबर लगा के सीक्वेंस करो। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक सामने आता है, 2005 में वो कंप्लीट होता है, और तब हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर 36,000 जीन होते हैं एक डीएनए के अंदर। अब हमारी बॉडी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ, यहाँ पर हम बोलेंगे कि फिलहाल के लिए हमें नहीं पता है कि कितने ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेल के अंदर एक डीएनए होता है, क्योंकि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में डीएनए है, उस डीएनए के अंदर यहाँ पर 36,000 जीन होते हैं। तो छोटी से छोटी इकाई आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा ये है, क्योंकि हर एक सेल एक दूसरे सेल की कॉपी है। तो इसी वजह से हम ये मानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 36,000 जीन्स की वो एक जैसी है। ये प्रोजेक्ट जो किया गया था वो अलग अलग नेशन में किया गया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने यूएस के नागरिकों के ऊपर ये कर दिया, नहीं, यूएसए की तरफ से ये प्रोजेक्ट हुआ था। हम देखते हैं इसमें से इंडिया की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव लिया गया, लगभग यहाँ पर 1,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में लिया गया, सभी कंट्रीज का इन्होंने ओवरऑल लिया। इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया का खुद का एक जीनोम प्रोजेक्ट अब चल रहा है, क्योंकि हमें लगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम था, हम अपने डीएनए पे थोड़ी और रिसर्च करना चाहते हैं, इससे हमें समझ में आता है। फिर अगर आपके पास कोई चीज़ है, 36,000 बच्चे हैं, तब आप उसको क्या करोगे, लेबल दोगे, किसी को 1 का लेबल दोगे, 2 का लेबल दोगे, 3 का लेबल दोगे, ऐसे ही इसको हमने सिक्वेंस किया। सिक्वेंस करने के बाद में जो दो जीन निकल कर आते हैं, एक जीन का नाम रखा गया था SLC24A5 और दूसरे का नाम रखा गया था SLC4582। तो A2A5 यानी कि एंडेनाइन का ये पेयर 5 है, एंडेनाइन का ये पेयर 2 है। C4024 यहाँ पर हम साइटोनाइन को देख पाएंगे, C45 अगेन साइटोटाइन को देख पाएंगे। ये हमने पूरे के पूरे करके हमें पता चलता है कि ये ऐसे जो जीन है जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी जो स्किन का कलर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसी में वो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। तो खैर इसी को बस हमें इतना याद रखना था, इतना समझना था।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ये लिखा गया है सैयद आता हसनन के द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर एक पुलिस के पर्सनल रह चुकी हैं। ये एक हमारा एक मुद्दा जो हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी कुछ ही दिनों पहले एक केस हुआ था जहाँ पर रजौरी के अंदर कुछ 3 इंसानों को, इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया और बाद में उनकी टॉर्चर की वजह से डेथ हो गई, और ये माना गया कि आर्मी ने उनको टॉर्चर किया, जिन कारणों की वजह से उनकी डेथ होती है। हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद में हम देख पाते हैं कि कैसे राजनाथ सिंह बोलते हैं कि आर्मी को ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है लोगों का। सिर्फ उनको ये नहीं करना है कि मानते हैं कि ये लोग आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मानते हैं कि कुछ जगहों पर आर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको लगता है कि हमें बहकाया जा रहा है, गलत हमारे ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रक्षा मंत्री का फिर भी यही कहना था कि देखिए, जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक यहाँ पर हैं, उनका काम है कंट्री को प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, लेकिन इसके अलावा कि वो कंट्री को सिक्योर करें, उनको जो पीपल है उनके दिल को जितना भी उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्स है। फिलहाल के लिए इंक्वायरी इसमें हो रही है कि क्या सही में कुछ जो पर्सनल थे उन्होंने टॉर्चर किया है इंडिविजुअल लोगों को, और उसके लिए क्या क्या हो गया है। फिलहाल हम देखेंगे, देखिए पब्लिक को भी 3 चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। पहले की जो कंट्री है वो फिलहाल में हाई सेंस ऑफ बैलेंस बनाना चाहती है सिक्योरिटी के लेके। हर स्टेज में हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी, तो पब्लिक को ये बात माननी चाहिए और उनको इसका साथ देना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि देखिए, जो ऑपरेशंस होते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्या होता है कि आर्मी के अलग अलग ऑपरेशंस चलते हैं, अलग अलग लेवल पे यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। एक दिन में 11 से 12 ऑपरेशंस होते रहते हैं, सीरियसली साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर आर्मी को भी क्या करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी के ऊपर गलत शक हो जाए, तो उनको मतलब ठीक हिसाब से रूल्स में रहते हुए उनके ऊपर काम हो। दूसरी चीज़ होती है पब्लिक की नॉलेज को यहाँ पर बढ़ाना। आर्मी ऑलवेज़ जो है अपनी रेपुटेशन से लेकर कुछ जगहों पर वनरेबल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उनको टारगेट किया जाता है, उनकी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है कि वो पीपल्स को यहाँ पर सिक्योर रख सकती हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, संदेह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कौन है? लोग हैं। तो टेररिस्ट और जो सेपरिस्ट है वो चाहते ही ये है कि लोगों को यहाँ पर बहका के रखें, और उनका जो रिलेशनशिप है कभी भी आर्मी के साथ में अच्छा ना हो पाए। तो इसी वजह से आर्मी के जो लोग यहाँ पर हैं उनको उनका भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है कि इंपेरेटिव एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, आर्मी की जो प्रॉबिटी है उसको करेक्टली जज करना होगा, और हाईएस्ट लेवल पे लोगों को भी अपनी तरफ से समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं उनमें उनका साथ निभाना चाहिए लोगों को भी, और यही है कि देखिए इस सारे चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और फाइंडिंग जो है रजौड़ी केस की, वो भी वेल विजिट टाइम पे हमें पता चल जाएंगी कि किसकी यहाँ पर क्या गलती थी। फिलहाल के लिए इनका यही मानना है कि ये बैलेंस बनाना दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रोड टू पीस इन म्यांमार। आर्टिकल लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा, कहते हैं कि देखिए म्यांमार की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी है नहीं, खासकर 2021 में यहाँ पर मिलिट्री कूप हो जाता है, यानी कि मिलिट्री जो है वो जो वहाँ की हम देख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर होती थी उनको हटा देती है, पावर अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद में अब म्यांमार के अंदर में कुछ ऐसे ग्रुप आ गए हैं जो मिलिट्री से खुश नहीं है, उनके अपोजिट जा रहे हैं, और वो इंडिया से थोड़ी सी लगती हुई पोजीशन में कैंप्स बनाकर रह रहे हैं। उनके ऊपर म्यांमार की जो मिलिट्री है वो उनको ढूंढ रही है, मार रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ, उनको गवर्नमेंट चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑन सुंग यान जो है वो इंडिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाती है, डेमोक्रेसी वहाँ पर साबित करती है। ये सब यहाँ पर हो रहा था। अभी क्या हो गया है कि यूएन के जो सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो, उन्होंने मार्च 18 को एक असेसमेंट किया और उन्होंने बोला कि फिलहाल जो म्यांमार के अंदर बहुत ही सिचुएशन है वो डिट्रियोरेटिंग है, ख़राब है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो असली नुकसान हो रहा है वो हो रहा है नागरिकों को, सिविलियंस को, क्योंकि वो रिस्क के ऊपर है। यहाँ पर दो अलार्मिंग ट्रेंड दिखाए गए। पहला क्या था कि एक्सपेंशन जो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट का राखीने स्टेट में, राखीने एक स्टेट है यहाँ पर म्यांमार के अंदर जहाँ पर आर्मी के साथ में और जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
दूसरा यहाँ पर है कि जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, अब जो यूथ है मान लीजिए उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आपको मिलिट्री के अंदर आकर भर्ती होना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ हैं जो क्राइसिस को एग्रीगेट कर रही हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ा रही हैं। उनका मानना है कि म्यांमार से 2.7 मिलियन पीपल यानी लगभग 27 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ा है, डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है। लगभग यहाँ पर 10 लाख ऐसे लोग हैं जो 2024 तक कैटेगरी के अंदर एंटर हो जाएंगे, 37 लाख का ये आंकड़ा हो जाएगा। और हम देखेंगे कि 18.6 मिलियन पीपल यानी कि हम देख पाएंगे कि कैसे लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें से 60 लाख जो है वो एक्चुअली में बच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी जो असिस्टेंस है खाने पीने की पूरे अच्छे तरीके से वो ढंग से नहीं हो पा रही है। बहुत ही बुरी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनको एड नहीं मिलती है, मदद नहीं मिल पाती है, डोनर जो है वो उनको पहुँचा नहीं पाते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक चैलेंज यहाँ पर, आप चीज़ों को एक देश दूसरे देश में पहुँचाना भी पाएगा तो नहीं पहुँचा पाता है। एक्सपर्ट्स का यही बोलना है कि देखिए फिलहाल के लिए म्यांमार के जो स्टेक होल्डर हैं उनको एक कैपेबल एक योग्य रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से वायलेंस को कम किया जा सके, डेस्किलेशन हो वायलेंस का, और साथ ही में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है जो मदद की जा सकती है यहाँ पर इंसानियत होने के नाते, उनको आराम से स्मूदली लोगों तक पहुँचाया जा सके। फिलहाल के लिए इनको म्यांमार को केवल केवल और केवल 2-3 जगह से ज़्यादा मदद मिल सकती है। राजा भाटिया के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये मदद जो मिल सकती है वो या तो मिल सकती है आशियान पार्टनर्स के द्वारा, देखिए हमें पता है कि आशियान एक 10 देशों का समूह है जिसमें हम देख पाएंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी कंट्रीज आती है, लियोस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, इन सबको हम इसमें देख पाएंगे। तो जो भी यहाँ पर ये ग्रुप के मेम्बर्स हैं वो इनकी मदद कर सकते हैं या फिर जो इंटरनल मदद हो सकती है नेबर्स जो है विलिंगली जो नेबर्स है जो साथ देना चाहते हैं, ये आशियान के पार्टनर नहीं है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, लेकिन फिर भी ये उनकी क्या करना चाहते हैं कि मदद कर सकते हैं, तो यहीं से एक एक्सटर्नल हेल्प उनको मिल सकती है। दूसरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लेयर्स जो है जो मैकेनिज्म बना रहे हैं कि कैसे जो पीपल हैं उनकी जो हार्डशिप है उसको एलिविएट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, यानी कि वहीं पर रहने वाले लोग जो इस काम में मिले हुए हैं तो उसी काम को एक्सटर्नली बाहरी तौर से भी और आंतरिक तौर से भी मिलकर ठीक किया जा सकता है, पॉसिबल वे जरूर ये है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि म्यांमार जो है वो एक रीजनल प्रॉब्लम बिल्कुल दिखा रहा है, आंतरिक उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अशेंसली जो है इंटरनल ना भी हो लेकिन उसके जो रिजल्ट हम देख पाते हैं उसके जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है वो बिल्कुल ऐसी ही है। खैर आयरनिकली यही है कि 33 साल की आंग शान क्यू जो है वो अभी भी नेशन को यहाँ पर नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी से सर्व कर रही थी और अब वो फिर से एक विक्ट्री उनको 2020 के नवंबर के यहाँ पर इलेक्शंस में उनको विक्ट्री मिली थी लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं चला पाई। तो यही है कि मेजर जो इंटरेस्टेड और अफेक्टेड नेबर है इंडिया को सबसे ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ रहा है, तो इंडिया क्या क्या करना चाहिए, सर्टनली इसकी हेल्प करनी चाहिए। इंडिया में म्यांमार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जा सकते हैं, एक सेट ऑफ प्रैक्टिकल एंड प्रोग्मेटिक प्रपोजल यहां पर रखा जा सकता है। इंडिया पहले से ही इनसे नाराज है क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को तोड़ दिया है, इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे, मिलिट्री आ गई है, लेकिन अभी क्योंकि ये म्यांमार से बहुत सारे जो लोग डिस्प्लेस्ड होकर आ भी रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही आना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंडिया को अभी क्योंकि बहुत नजदीकी हमारा देश हो गया है तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। और रीजनल पीस हमारे जो यहां पर हम देख पाएंगे कि शांति है उसको कहीं ये बिगाड़ ना दे, तो इसी वजह से इंडिया का ईस्टर्न नेबरहुड होने की वजह से हमें क्लेमिटी तो इसके ऊपर लेनी ही पड़ेगी। खैर यहीं पे आज इसी आर्टिकल के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। जो भी अभी तक इसे देख रहा था आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा, मैं बहुत और अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। All the very best.